लॉकडाउन का चौथा दिन है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी इसे लेकर अगर आप परेशान हैं तो आपको राहत देने वाली खबर है। कैसे स्कूल लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, देखिए संवाददाता निर्णय कपूर की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन पीरियड में जब सब कुछ बंद है तब बच्चों की पढ़ाई पर असर ना हो इसके लिए अहमदाबाद में कई स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, ऑनलाइन उनको पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। इनफैक्ट गुजरात में लॉकडाउन से पहले ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी कई स्कूल्स द्वारा, क्योंकि पहले ही डिसीजन ले लिया गया था एहतियातन स्कूल्स बंद करने का, लेकिन बच्चों का करिकुलम ना बिगड़े, उनकी पढ़ाई ना बिगड़े, इसलिए आप देख सकते हैं ये क्लासेस जो हैं ये अभी भी कंटिन्यू हैं और घरों से ये कंडक्ट की जा रही हैं। इस वक्त हम कैलोरिक्स स्कूल जो है उसके प्रिंसिपल के घर पे हैं यहाँ पे, और रेगुलर रूटीन में ये क्लासेस जो हैं बच्चों के चलती रहती हैं, एक एक घंटे के पीरियड इनके होते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं कि क्लास को, मैम सॉरी आपको 2 मिनट डिस्टर्ब कर रहे हैं इस क्लास में। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन टीचिंग का किस तरह कंडक्ट करते हैं आप, ये किस तरह मैनेज हो रहा है ये स्क्रीन? एक्चुअली सर ये स्क्रीन पूरा ऐसा है कि ये जूम इन प्लेटफॉर्म है और ये जूम इन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वी आर एबल टू कनेक्ट अप टू अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स। सो जैसे आप अभी देख रहे हैं कि हमारे टीचर्स भी है कनेक्टेड, स्टूडेंट्स है, यहाँ से हमें पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं। तो हम एक इंटरैक्टिव सेशन है ये, जब हम चाहते हैं क्वेश्चन पूछना तो जैसे अब ये दिख रहा है कि बच्चों ने अनम्यूट किया हुआ है, जब उनको पूछना होता है वे अपने आप को अनम्यूट करके, अभी म्यूट है, अनम्यूट करके वो क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने टीचर जवाब दे पाती है। तो आप ये मॉनिटर कर सकते हैं स्क्रीन के जरिए कि कौन कौन देख रहा है, क्या क्या कर रहा है वो? देखिए आपको सब सबके नाम के साथ सब दिखेंगे अभी आपको, तो पूरा स्क्रीन दिख रहा है अभी, सबके नाम के साथ आपको पूरे स्क्रीन दिखेंगे। दिस इज हाउ इट इज एंटायर थिंग। पूरा माहौल मतलब जो होता है बिल्कुल एक क्लासरूम जैसा ही होता है, एक वर्चुअल क्लास है ये। बिल्कुल ये वर्चुअल क्लास है, बच्चों को पूछने से कोई रोक नहीं सकता ना, मतलब जितना इंटरेक्शन एक क्लास में होता है उतना ही होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि सब अपने घर में बैठ के अपने कंफर्ट लेवल में आराम से इधर मोबाइल से, इस मोबाइल में भी उसका जूम ऐप है और सो बच्चे इधर मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाते हैं या तो फिर लैपटॉप से। लेकिन क्या सही में वो कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, उतना समझ पाते हैं? मैं तो कहूंगी मेरे पास यहाँ बच्चे हैं, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, मेरे टीचर्स जो रोज ही हम रोज का रोज टाइम टेबल शेयर करते हैं, उनके स्लॉट्स होते हैं। जैसे अभी CPS हम लोग कैलोरिक्स पब्लिक स्कूल एज अ ग्रुप, हमारे 4 स्कूल्स हैं तो अभी 2000 से ज्यादा बच्चे और 100 से ऊपर टीचर्स ले रहे हैं। सो वी आर कनेक्टिंग टू इवन द रिमोट प्लेसेस लाइक राजूला एंड मुंद्रा ऑल्सो।